Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Sansar. This is CS Stuti Mahajan. Today, I am here with my new topic, gratuity. Let's see. Gratuity. How to calculate formula and eligibility? Introduction. Gratuity is given by the employer to his or her employee for the services rendered by him or her during the period of employment. It is usually paid at the time of retirement but can be paid earlier provided certain conditions are met. तो ग्रेचुटी क्या है, जब आप कोई सर्विसेज देते हो एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो एक एम्प्लॉय जो है वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसके क्या क्या कंडीशंस है वो अब हम देखेंगे। When an individual eligible to receive the gratuity, a person is eligible to receive gratuity only if he has completed minimum 5 years of service with an organization. However, it can be paid before the completion of 5 years at the death of an employee or if he has become disabled due to an accident or disease. तो minimum 5 years एक organization के अंदर serve करना जरूरी है ग्रेचुटी के अंदर एलिजिबल होने के लिए, लेकिन जो मिनिमम 5 years की एलिजिबिलिटी है वो भी सीलिंग लिमिट नहीं है, इनकेस अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या फिर वो डिसेबल अगर हो जाता है। There is no set percentage stipulated by the law for the amount of gratuity an employee is supposed to receive. An employer can use a formula based approach or even can pay higher than that. तो कोई सेट परसेंटेज नहीं है कि क्या आप ग्रेचुटी पे करनी है, तो लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो ग्रेचुटी लॉ के अंदर हमारे पास ग्रेचुटी का फॉर्मूला है उसको हम देखेंगे कि जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग ग्रेचुटी जो है वो डिसाइड करते हैं। फैक्टर्स, ग्रेचुटी पेबल डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, लास्ट रन सैलरी एंड द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। तो जो लास्ट रन सैलरी है वो क्या रहेगी, दैट इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस एंड कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल्स इफ एनी। तो उसके अंदर डीए जो है वो बेसिक सैलरी प्लस डीए और अगर कोई कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल्स है तो वो भी लास्ट रन सैलरी का पार्ट रहेगा। कैटेगरीज, टू कैलकुलेट हाउ मच ग्रेचुटी इज पेबल, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 हैज डिवाइडेड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इनटू टू कैटेगरीज, एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द एक्ट, employees not covered under the act. तो दो categories हैं, एक में employees covered होते हैं act के अंदर और एक है employees नहीं covered हो रही हैं act में। अब हम देखते हैं कौन से employees covered होते हैं। An employee will be covered under the act if the organization employs at least 10 persons on a single day in the preceding 12 months. अगर एक दिन के अंदर 10 persons at least उसने employ कर लिए हैं तो organization जो है वो gratuity act के अंदर cover हो जाएगी। Once an organization comes under the purview of the Gratuity Act, it will always remain covered even if the total number of employee falls below 10. एक बार कोई भी organization जो है वो Gratuity Act के अंदर आ गई तो वो हमेशा के लिए Gratuity Act के अंदर covered रहेगी। कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी जो मेन पार्ट है जिसके लिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि मैम ग्रेचुटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेरे पास बहुत सारे सी एस स्टूडेंट से, सी एस से, ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा क्वेरीज आई हैं जिसकी वजह से ये ग्रेचुटी का पार्ट जो है हम लोगों ने कवर किया है। तो इसकी मैं सीरीज अभी कवर करूंगी। फर्स्ट सीरीज में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी एंड एलिजिबिलिटी, देन इसकी नेक्स्ट सीरीज आएंगी वो भी हम कवर करेंगे, इनकम टैक्स एग्जम्पशन कैसे लेंगे, इनकम टैक्स में इसकी कैसे कैलकुलेशन रहेगी वो मेरे नेक्स्ट सीरीज के अंदर आएंगे। तो अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी फॉर एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द एक्ट। फर्स्ट कैटेगरी पहले हम देखते हैं फॉर एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द एक्ट, उस केस में ग्रेचुटी का फॉर्मूला जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। There is a formula using which the amount of gratuity payable is calculated. The formula is based on 15 days of last run salary for each completed year of service or part thereof in excess of 6 months. आपको ध्यान से देखना है, 15 days तो इसके अंदर रहेंगे for each completed year of service or part thereof in excess of 6 months. That means 6 months से ज्यादा हो गए तो उसको आप फुल ईयर काउंट करेंगे, 6 months से कम है तो उसको आप नहीं काउंट करोगे। The formula is as follows:
15 into last run salary into tenure of working divided by 26. तो इसके अंदर जो month है वो हम लेंगे 26 days का. Here last run salary means basic salary, DNS allowance and commission received on sales. Illustration. तो उसकी हम लोगों ने एक illustration बनाई है. Suppose his last run salary is 60,000 per month and he has worked with the ABC Limited for 20 years 7 months. In this case, using the formula above, gratuity will be calculated as gratuity. हम कैसे calculate करेंगे? Last run salary हमारी हो गई 60,000. Tenure उसका क्या हो गया? 20 years 7 months. That means 25 years. तो 60,000 into 21 into 15. 15 days की लेनी है. और month हमने लेने divided by 26. 26 days का month है. तो into 15 divided by 26. That will come to 7.26 lakhs gratuity इस case में आएगी. In the above case, अब हम एक और उसके अंदर example लेते हैं. In the above case, we have taken 25 years as tenure of service because he has worked for more than 6 months in a year. क्योंकि हमने क्या किया? 20 years and 7 months उसने काम किया, तो हमने उसको 25 years ले लिया. Had he worked for 20 years and 5 months, 6 months से कम अगर उसने काम किया होता, तो उस केस में हम क्या लेते हैं? 20 years of service would have been taken into account while calculating the gratuity amount. तो उस केस में हम उसके 20 years जो हैं वही लेते हैं, क्योंकि उसने जो complete किए हैं that are 20 years. Then second case, calculation of gratuity for employees not covered under the act. तो अब हम उन employees के ऊपर आते हैं जो कि gratuity act के अंदर cover नहीं होते हैं. There is no law that restricts an employer from paying gratuity to his employees even if the organization is not covered under the act. The amount of gratuity payable to the employee can be calculated based on half month salary for each completed year. तो आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों ने वर्ड यूज किए फॉर ईच कम्प्लीटेड ईयर, दैट मीन्स जितने ईयर्स उसने कम्प्लीट किए हैं बस हम उसको कंसिडर करेंगे. Here also salary is inclusive of basic, DNS allowance and commission based on sales. The formula is as follows: 15 into last run salary into tenure of working divided by 30. और इसके अंदर एक change क्या आई है? इसके अंदर month लेंगे हम लोग 30 days का. पहले case में हमने लिया था month 26 days का, इसमें हम month लेंगे 30 days. Illustration. In the above mentioned example, if his organization was not covered under the act. अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन हम एज्यूम करते हैं कि वो एक्ट में कवर नहीं होती, तो उस केस में उसके ग्रेजुएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? 60,000 उसकी लास्ट रन सैलरी इनटू 20 इयर्स उसने कंप्लीट किए इनटू 15 डिवाइडेड बाय 30, दैट कम टू 6 लाख रुपीस उसकी ग्रेजुएशन आएगी. हियर द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर. सिंस A has worked with the company for 20 years and 7 months. His tenure will be taken as 20, not 21. तो अगर आपके organization covered नहीं है, उसके अंदर आपको simple way में सिर्फ completed year आपको देखनी है और जो part months हैं वो आपको consider नहीं करने हैं. अब हम देखते हैं maximum ceiling limit. For government or non-government employees, मतलब कोई भी employees हैं, 20 lakh is the maximum amount that can be paid as gratuity. तो maximum gratuity हम आपको कितनी pay कर सकते हैं? As per act, 20 lakh rupees. इससे ज़्यादा gratuity आपको pay नहीं होगी. That means अगर आपकी calculate हुई, तो वो 20 lakh something आए, तो आपको maximum कितनी payment होगी? 20 lakh की ही. The 7th pay commission had recommended increasing the gratuity ceiling to 20 lakh from the earlier level of 10 lakh. पहले 10 lakh की limit थी, अब 20 lakh उसको कर दिया गया. Now, next आया हमारे पास death gratuity. तो अब हम देखते हैं, what is death gratuity and what are your entitlements under this? How can it be availed and what are the requirements to be met by the beneficiary? तो ये जो डेथ ग्रेस्टी है ये क्या है, उसके इसमें आपके इंटाइटलमेंट्स क्या रहेंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उसको अब हम कंसिडर करते हैं. इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट देयर इज नो मिनिमम एलिजिबिलिटी पीरियड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा ग्रेस्टी के लिए कब एलिजिबिलिटी बनती है, जब उसने 5 इयर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लीट कर लिए. लेकिन डेथ और डिसेबलमेंट के केस में कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी पीरियड नहीं है, सीलिंग लिमिट कोई नहीं है. The gratuity amount depends upon the tenure of service and last run salary.
As per the Gratuity Act, the gratuity is payable up to the date of death, irrespective of whether he completed 5 years or not. That means 5 years उसने complete किए हैं या नहीं किए हैं, that is not compulsory. However, where the employees are covered by any group gratuity insurance scheme, a case may arise for payment of gratuity till retirement, depending on the terms of insurance cover. अगर कोई उन्होंने insurance कोई scheme ले रखी है, group gratuity insurance scheme किसी company ने ली हुई है, तो अगर employees उसके अंदर cover होते हैं, तो वो depend करेगा कि insurance cover किस तरह का है. Death gratuity calculator. तो डेथ ग्रेच्युटी कैलकुलेटर जो है उसके अंदर अब हम देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे. द ग्रेच्युटी अमाउंट डिपेंड्स अपॉन द टेन्योर ऑफ सर्विस एंड लास्ट रन सैलरी. इट इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. लास्ट रन सैलरी बेसिक सैलरी प्लस डीए इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस इनटू 15 डिवाइडेड बाय 26. While companies are expected to give gratuity dues to employees in a fair and just manner, it is better to know what you are entitled to so that no clerical or admin error leads you to get a lesser amount. तो बेसिकली इसके अंदर गलती कहाँ पे होती है, क्योंकि उनको कैलकुलेट करना ही नहीं आता कि ग्रेच्युटी के लिए लास्ट रन सैलरी कौन सी लेनी है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस कितने लेने हैं, इनटू 15 डिवाइडेड बाय 26 से करने के 30 से करना है, तो उनको ये सब चीजों की नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है. डेथ ग्रेच्युटी कैलकुलेशन. तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम वे में टेन्योर ऑफ सर्विस इनटू लास्ट रन सैलरी इनटू 15 डिवाइडेड बाय 26. So that means death gratuity calculator जो है वो same way में वही formula है जो हमने use किया for the employees that are covered under the act. Illustration: suppose his last run basic pay is ₹60,000 per month and he has worked with the ABC Limited for 20 years 7 months. In this case formula क्या रहेगा, 60,000 into 21 into 15 divided by 26, that will come to 7.26 lakhs. In the above case, we have taken 21 years as tenure of service because he has worked for more than 6 months in a year. Had he worked for 20 years and 5 months, 20 years of service would have been taken into account while calculating the gratuity amount. So, मैंने क्या किया? जो पहले इलस्ट्रेशन दिखाई, डेथ ग्रेच्युटी के अंदर भी आपको वही वाली इलस्ट्रेशन दिखाई. Just to explain, कि डेथ ग्रेच्युटी के अंदर भी हमारा जो फॉर्मूला है वो वही वाला रहेगा जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है फॉर द एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द एक्ट. सो बेसिकली ग्रेच्युटी के लिए हमेशा आपको दो फॉर्मूलाज जो है वो क्रक्स में दो फॉर्मूलाज आपको याद करनी है. फर्स्ट, फॉर द एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द एक्ट, फॉर द एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट. जो एम्प्लॉयज कवर हो रही है तो उनको किस चीज का बेनिफिट मिल रहा है, लास्ट रन सैलरी इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस. नंबर ऑफ इयर्स के अंदर उनका क्या होगा, अगर पार्ट है 6 months से ज्यादा है, जैसे 20 years 7 months है तो 21 कंसिडर होगा, 20 years 5 months है तो 20 years कंसिडर होगा, इनटू 15 डिवाइडेड बाय 26 आपको करना है. और सेकेंड केस, फोर्थ एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट, तो उनके लिए डिसएडवांटेज क्या रहेगा, उस केस में सिर्फ आपके कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस लिए जाएंगे. That means उसका फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, लास्ट रन सैलरी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस इनटू 15 डिवाइडेड बाय 30. तो उस केस में जो मंथ है वो कंसिडर किया जाएगा 30 डेज का. और जो हमारा डेथ ग्रेच्युटी कैलकुलेटर है उसमें हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने फॉर्मूला यूज किया है फॉर द एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द एक्ट. बस ये क्रक्स में ये दो फॉर्मूलाज आपको याद करके रखने हैं और इसी के बेसिस के ऊपर आप अपनी ग्रेच्युटी की कहीं के भी कैलकुलेशन जो है वो आप निकाल सकते हो. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार. टिल देन कीप फॉलोइंग सीएस दिति महाजन, सीएस संसार. थैंक यू.